नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकोनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो होगी 1985 के 1 रुपी कॉइन के बारे में। आपने पहले भी मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी 1985 1 रुपी कॉइन के बारे में, जिसमें मैंने अलग अलग तरह के टॉपिक्स कवर की है कि 1985 में कैसे कैसे अलग अलग तरह के सिक्के बने थे। कुछ सर्कुलेशन में आए थे, कुछ हमने यूज़ किए थे सर्कुलेशन में, कुछ नहीं आए थे, कुछ ट्रायल के तौर पर बने थे, कुछ पैटर्न के तौर पर बने थे। और ये 1985 के सिक्के अलग अलग मिनटों में भी बने थे। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास 1985 के एच मार्क वाले सिक्के होते हैं, जो कि विदेशी मिंट है, हैटन मिंट का सिक्का है 1985। बाकी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने 1985 के रॉयल मिंट के बारे में बताया था, रॉयल मिंट लंदन मिंट में जो सिक्का बना था उसके बारे में बताया था। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी टॉपिक्स पर। 1985 के सिक्कों में बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, इसलिए बार बार 1985 के सिक्कों को टॉपिक कवर करना होता है। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर 1 रुपये की वीडियोज़ के बारे में जानकारी दीजिए, 1 रुपये के सिक्कों की वीडियोज़ बनाइए अलग अलग तरह के सिक्कों की। तो मैंने सोचा पहले 1985 के जितने सिक्के हैं सबका टॉपिक कवर कर लेते हैं, और अलग अलग वीडियोज़ तो आपको देखने को मिलती ही रहती है, चाहे वो एरर कॉइन्स हो या वो एरर नोट हो या अलग तरह के मुगल कालीन या एंशंट कॉइन हो। अभी जो स्क्रीन पर सिक्का देख रहे हैं आप 1985 का, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो बाकी सिक्कों से अलग है। ये सिक्का बना था बॉम्बे मिंट में, और जैसा कि मैंने बताया क्या 1985 के अलग अलग मिंटों में सिक्के बने थे, कुछ विदेशी मिंटों में बने थे, कुछ भारत के मिंटों में सिक्के बने थे। अब भारत के कौन सी मिंटों में सिक्के बने थे 1985 के, वो बने थे बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में सिक्के बने थे। आप ध्यान से इस इमेज को आप देखेंगे तो इसमें आपको एक खास चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये अशोका पिलर बना हुआ है। अशोका पिलर के दोनों साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो EXP और दूसरी तरफ लिखा है कॉइन, यानी ये है एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन 1985 का, जो कि बॉम्बे मिंट की तरफ से बना था। अब ये एक्सपेरिमेंटल कॉइन क्या है, एक्सपेरिमेंट के लिए सिक्के बनाए जाते हैं, एक सिक्के का नमूना तैयार किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट के लिए सिक्के बनाए जाते हैं, क्या इस तरह का सिक्का तैयार हो रहा है। बाद में जब वो फाइनलाइज हो जाता है तो वो सर्कुलेशन में आ जाता है, लेकिन अगर उसका डिज़ाइन पसंद ना आए, उसकी थीम पसंद आए, जो भी कारण हो सकता है, तो वो सर्कुलेशन में नहीं आते हैं। लेकिन ये सिक्का तो सर्कुलेशन में आया था इस तरह का सिक्का, लेकिन उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट कॉइन बनाया गया था। ध्यान से आप देखेंगे तो अशोका पिलर के दोनों साइड एरो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा रेयर सिक्का है, ऐसे सिक्के होते हैं मोस्ट वैल्यूएबल कॉइन। ऐसे सिक्के किसी के पास भी हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं, मेरे पास भी, किसी के पास भी हो सकते हैं। और इस सिक्के की अगर प्राइस देखें ऑक्शन हाउस की प्राइस, तो ऐसे सिक्के मैंने बताया था ऑक्शन में रखे जाते हैं नीलामी के लिए, 25,500 रुपये से लेकर 26,000 रुपये की इसकी बेस प्राइस रखी गई है 1985 के 1 रुपये के। ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन है, इस तरह के सिक्के नहीं आते हैं जिस तरह लिखा हुआ है इस पे EXP और कॉइन एक्सपेरिमेंटल कॉइन। जो सिक्के आते हैं वो इस तरह के आते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के सिक्के आपने और हमने सबने सर्कुलेशन में यूज़ किए हैं। लेकिन ये जो 1985 का है ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का एक एरर कॉइन है। तो एरर क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉइन है जो एक्सपेरिमेंट के लिए बनाए जाते हैं, बाद में सर्कुलेशन में आ गए थे सिक्के। तो आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना क्या आपके पास भी क्या इस तरह के कोई कॉइन है, ट्रायल स्ट्राइक के, पैटर्न कॉइन के या एक्सपेरिमेंटल कॉइन। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आने वाली वीडियोस आप मेरे किन टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोज मेरी जितनी होंगी उनको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।